नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज हम आपको करनाल के ऐसे कॉलेज में लेकर जा रहे हैं, आज वह कॉलेज नामी गिरामी कॉलेजों को मात दे रहा है। बड़ी बात यह है कि कॉलेज की चार दीवारी के भीतर पिछले 3 सालों में कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक सुविधाएं देने की जो पहल की गई है, वह इस कॉलेज की कामयाबी की दास्तां बयां कर रही है। कॉलेज का नाम है DAV PG कॉलेज करनाल और यह मौजूदा नगर निगम कार्यालय के बेहद निकट। यह कॉलेज रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से भी ज्यादा दूर नहीं है। DAV PG कॉलेज की देखरेख और संचालन के लिए एक कमेटी भी गठित है, जिसके चेयरमैन तरावड़ी के प्रसिद्ध उद्योगपति नाथीराम गुप्ता हैं। कॉलेज के भीतर आखिर 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे यहाँ आने वाले छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक खुशी का माहौल है, यह भी आपको बताते हैं। तो चलिए करनाल के DAV PG कॉलेज में, जहां आज बुधवार को समाचार एक्सप्रेस की पूरी टीम कॉलेज में प्रबंधों और सुविधाओं का मुआयना करने पहुंची। आप भी देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह खास रिपोर्ट। और ये अभी शांति पाठ होता है, जो भी चीजें हैं, तो मैं मंच पे बोलता हूं तब भी ये बात करता हूं कि आपको अपने कॉलेज की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए और उस वैदिक संस्कृति के बारे में, जैसे हवन करना है या उच्चारण करना है, वो भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ स्थापना थी, ये आधिकारिक है। मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर। आज आपको करनाल के एक ऐसे कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कॉलेज में भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। क्या कॉलेज में हर्बल पार्क लगते हैं? क्या कॉलेज में भी CCTV कैमरे लगते हैं? क्या कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो नोटिस बोर्ड होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक के रूप में बदल जाएगा? क्या आपने ऐसे देखा होगा? कई तरह की नई तब्दीलियां करनाल के एक कॉलेज में हो रही हैं और उस कॉलेज के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं प्रिंसिपल के रूम में हूं। कॉलेज का नाम मैं आपको बताता हूं, DAV PG कॉलेज करनाल। जी हां, ये बिल्कुल बस स्टैंड के पीछे है। आज हमारा मकसद, यानी कि समाचार एक्सप्रेस टीम का आपको इस कॉलेज में लाने का केवल एक मकसद है कि शिक्षा के साथ साथ आज कॉलेज में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के काम आ सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी कॉलेज में गए होंगे, स्कूल में गए होंगे, स्कूल के बाद कॉलेज में गए होंगे। मैं भी इसी कॉलेज का छात्र भी रहा हूं 80-84 के बाद, और मुझे आज खुशी हुई है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था और आज मुझे उस कॉलेज के समाचार संकलन का जो मेरा सौभाग्य मिला, मुझे खुशी हो रही है। आज हम आपको बच्चों से मिलवाएंगे, आज हम आपको दिखाएंगे कि कॉलेज में किस तरह की नवीनीकरण हुए हैं, क्या नई तब्दीलियां हुई हैं। हम आपको ले चलेंगे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये तब्दीलियां क्यों की गई और क्या इसकी ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत थी और तब्दीलियां की गई, इसका विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा आने वाले टाइम में? आप जानते हैं कि हमारे देश के बच्चे, यानी कि देश का युवा जो है, युवा पीढ़ी खास तौर पे देश का भविष्य है, और कॉलेज में जो यंगस्टर आते हैं पढ़ने के लिए, अपना छात्र जीवन से आगे की जो कॉलेज लाइफ है उसमें जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उसमें वो तरह तरह की तमाम वो बातें सीखते हैं जो उन्हें ज़िंदगी के सभी दाव पेच तो सिखाते हैं, साथ में साथ जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उन्हें जीवन के वो गुण भी दिखाते हैं जो उन्हें जीने में महत्वपूर्ण और कारगर साबित होते हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ हम एक एक ऐसी नवीनीकरण की जो चीज़ बनाई गई है, हम वन बाय वन आपको उस स्थान पर लेकर जाएंगे और आपको ब्रीफ करेंगे कि इसका मकसद क्या है, ये किस मकसद से बनाया गया और इसका आने वाले समय में छात्रों को क्या लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रामपाल सैनी, वो अच्छे शिक्षक और प्राचार्य तो हैं ही हैं, साथ में उन्हें इतना ज्ञान है कि उन्हें नई दिल्ली में डॉक्टर APG अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे और सबसे अंतिम में हम उनसे पास पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि हम इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं से भी पूछेंगे कि नवीनीकरण के बाद उनकी जो कॉलेज की जो लाइफस्टाइल है या कॉलेज में जो
पढ़ाई वो कर रहे हैं उसमें कितना बदलाव आया है। तो चलिए आज हरीश चावला के साथ समाचार एक्सप्रेस भी टीम साथ पूरी है और आपको ले चलते हैं वन बाय वन उन बारीकियों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, चलिए अब आपको ले चलते हैं डीएवी पीजी कॉलेज के लाइब्रेरी में। हम आपको सीधी ले चलते हैं और देखते हैं कि कॉलेज की तरफ से अंदर क्या व्यवस्था की गई है। ये देखिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, किस तरह से अलग अलग से ब्लॉक बनाए हुए हैं और ये प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि ये बॉयज़ के लिए हैं और ये जो गर्ल स्टूडेंट हैं, देखिए आप किस तरह से अलग अलग, ताकि चेहरा भी, बैठे हुए चेहरा भी ना दिखे और आदमी का ध्यान जो है, छात्र का ध्यान बिल्कुल एक उसमें एक टक लगा रहे। और ये अलमारियां आप देख लीजिए किस तरह से सजावट की गई है, अलमारियों में किताबें बड़ी सरीके तरीके से लगाई गई हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि इस लाइब्रेरी के अंदर इसका नवीनीकरण भी हाल ही में किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने पहले प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं 32,000 किताबें इन अलमारियों में रखी गई हैं, सबसे बड़ी बात। और जैसा कि मुझे बताया गया कि भारत बड़ा पारंपरिक सभी धर्मों को मानने वाला देश है और सबसे बड़ी बात है कि आस्था, क्योंकि युगों युगों से यहाँ लोग रामायण और भगवान श्री कृष्ण यानी कि उनकी गीता से जुड़े हुए हैं। महाभारत के साथ साथ यहाँ रामायण, गीता, इसके अलावा 4 जो पुराण हैं, जो हमारे ऋग्वेद यजुर्वेद जो 4 पुराण हैं वो भी इसके अंदर यानी कि रखे गए हैं, ताकि छात्र जो है ना केवल पढ़ाई के साथ साथ दूसरी जो नहीं। हाँ, इसके अलावा इन्होंने बताया कि कई किस्म की टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस बुक्स और कैरियर से जुड़ी किताबें और प्रतियोगिता, ज्ञानवर्धन और इसके अलावा जो महापुरुषों की जो जीवनी है उनसे संबंधित भी बुक्स इन्होंने रखी हुई हैं। या मैडम बैठी हैं अपनी ड्यूटी में और जो छात्र आता है, सबसे बड़ी बात मैं इनको कहूँगा कि ये देखिए ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि 32,000 जो ये बुक्स रखी गई हैं वो इसी कंप्यूटर के अंदर दर्ज हैं। आप किस स्टूडेंट को कौन सी किताब चाहिए ये हम मैडम से पूछेंगे कि किस तरह से, मैडम को पूछेंगे कि किस तरह से आप ये निकालते हैं। मैडम अपना शुभ नाम मैडम। सर किरण। किरण जी, ये सभी जो 32,000 जो बुक्स आपकी अलमारियों में रखी हुई हैं ये सभी इसके अंदर? हाँ जी, कैप्चर हैं। कैप्चर हैं, हाँ जी। तो स्टूडेंट जो बुक्स मांगते हैं वो हम उनको उसमें से निकाल लेते हैं, अलमीरा में से जाके उनको उनको बोल देते हैं या फिर हम खुद निकाल के उनको सर्व कर देते हैं। जैसे सर ये देखिए जी, जैसे किसी बच्चे ने डिमांड की इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज की, भाई उसने बोला सर हमारे को ये बुक्स चाहिए जी। तो हम क्या करेंगे, अलमीरा में जाएंगे, ये बुक्स लेंगे सर जी। ये बुक्स लेंगे तो इस बुक्स का यहाँ पे ये नंबर डालेंगे, एक्सेशन नंबर बोलते हैं सर इसको जी। एक्सेशन नंबर देने के बाद इसको इशू करते हैं सर यहाँ पे, इसको इसको यहाँ से स्कैन किया जी, इसको ये बार कोड से हमने स्कैन किया। जैसे हम इसको स्कैन करते हैं ये इसको उठा लेता है जी यहाँ पे। उठाने के बाद हम इसको बच्चे का रोल नंबर, आई कार्ड लेके बच्चे से उसका रोल नंबर उठाते हैं जी, रोल नंबर से लगाने के बाद उसको इशू कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा जी कंप्यूटराइज सिस्टम। फिर उसको हम मैनुअल करते हैं, बच्चे के यहाँ साइन करवाते हैं जी, जी। हाँ जी, ये तरीका है जी। अच्छा किरण जी, एक बात बताएंगे कि एक समय में कितने स्टूडेंट यहाँ बैठ पढ़ सकते हैं? यहाँ पे तो एटलीस्ट 50 तो आ ही जाते हैं, एक टाइम में तो 50 नहीं आते, कई बार 30 भी होते हैं, कई बार 50 भी हो जाते हैं। आपको कितने बैठ सकते हैं, 50 इधर 50 उधर, 100? सर हमारे यहाँ 100 के करीब, 72 वन टाइम में तो 100 के करीब तो यहाँ सामने बैठ सकते हैं जी। और हमारा कैफे सिस्टम है सर, कैफे सिस्टम है, हम एक साथ 15 बच्चों को हम कंप्यूटर पे बिठा सकते हैं जी। उनको ऐसे आधे आधे घंटे के लिए, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है सर मेरे को इंटरनेट से ना ये चीज़ डाउनलोड करनी है, पर्टिकुलर चीज़ जो टॉपिक होगा उसको, उसको पहले तो हम उसको एक बुक्स में से देंगे, उसको जो हमारी ये प्रतियोगिता दर्पण आती है उसको जो पर्टिकुलर ना कंपटीशन से रिलेटेड तो उसको मिलेगा, अदरवाइज हम नेट से सर्च करके देंगे। खुद हम भी खड़े होते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, और बच्चा भी खुद सर्च करता है। आपका नाम? मेरा विक्रम हरित जी। विक्रम जी, जैसे बता रहे हैं हमारे को कि ये देखिए, अब मैं आपको इसी लाइब्रेरी के अंदर एक ऊपर जो और अलमारियाँ रखी हुई हैं और ये बच्चों के लिए, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि कंप्यूटर इंटरनेट सेक्शन है, ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया है ताकि बच्चे जो है कंप्यूटर से संबंधित जो है सभी तरह की जानकारी यहाँ ले सकते हैं। और ये 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं
और इस तरह से एक साथ जो है चार या पांच बच्चे बैठ के अपना यहाँ पे कंप्यूटर का वर्क कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से इसको सुसज्जित किया गया है, एक तरह से नवीनीकरण आप देखिए कि लाइब्रेरी, अब देखिए किताबें वहाँ भी रखी हुई थी और किताबें इधर भी देखिए, कम से कम जो है एक दर्जन से अधिक अलमीरा जो यहाँ भी पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिए सर, आप देख इसके अंदर देख रहे हैं सर अलमीरा के अंदर, जैसे ये एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बुक्स है जी, तो हमने पर्टिकुलर हेड वाइज वो बुक रखी हुई है, जैसे अभी आप कंप्यूटर साइंस की होगी सर, कंप्यूटर साइंस होगी सब्जेक्ट वाइज बोलते हैं सर उसको, ये कंप्यूटर साइंस की है, सभी कंप्यूटर साइंस की है। इधर आप आ जाओ जैसे हिंदी सेक्शन हो गया, ये इधर बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, कुछ तो है यूजी रैक, जो हमने रैक लगा रखे हैं यूजी क्लासेस वाइज, कुछ रैक है जी आपके मास्टर डिग्री, जो हमारी एमएससी जैसे एमएससी एमकॉम हमारे पास जो है उस पर्टिकुलर उसको लगा रखी है सर। हाँ जी, तो देख लीजिए आप किस तरह से तरीके से किताबें रखी हुई है, देखिए किताबें जो है जीवन में कितनी अहम होती हैं। आप जानते हैं कि एक चीज़ साफ साफ हर विद्वान ने कही है, चाहे वो हमारे देश में बड़े से बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन भी क्यों ना रहे, एक बार मैंने उन्हें सुना था कि जीवन में शिक्षा ऐसा एक ज्ञान है जो आपसे ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना छीन सकता है, ये ज्ञान हमेशा काम आता है। और शायद इसी ज्ञान को हासिल करने के लिए हमारे जिले भर से जो हज़ारों जो है छात्र और छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। अब आपको एक हमें बताया गया है कि इसी लाइब्रेरी के अंदर एक नीचे भी एक सेक्शन बनाया गया जिसमें बहुत सारी अलमीरा हैं और अलमीरा के अंदर बहुत सारी ज्ञानवर्धन पुस्तकें अलग अलग रूप से रखी गई हैं। देखिए आप, मैं अपने कैमरामैन सनी चौधरी से कहूँगा कि वो सरीके से इन अलमारी को दिखाए। देखिए यहाँ करीब दो दर्जन से अधिक अलमीरा और पड़ी है, यानी कि एक अलमीरा में अगर मैं हिसाब किताब करूं, अगर मैं गिनूं मोटा मोटा, तो करीब करीब जो है 200 से 300 बुक्स इसमें पड़ी हैं और 32,000 किताबें DAVPG कॉलेज करनाल में इन अलमीरा में समाई हुई हैं। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा ज्ञान आपको बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी व्यवस्था DAV जो PG कॉलेज की संस्था या प्रिंसिपल द्वारा जो की गई है, आप खुद सोच लिए। एक इसमें देखिए, मैंने दूर से देख रहा हूँ, अब सनी चौधरी जी से कहूँगा कि ज़रूर इधर कैमरा घुमाएं। देखिए श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम नामक एक किताब है, यानी कि आप महापुरुषों से जुड़ी यहाँ किताबें जो हैं वो देखिए, ये यजुर्वेद की किताब मुझे दिखी है। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि हमारे चार वेद हैं और चार वेदों से जुड़ी जो किताबें हैं, देखिए आप यजुर्वेद से जुड़ी ब्रह्म विद्या के नाम से, इसे राजेंद्र कुमार धूला जो है इसके लेखक हैं और उन्होंने इस किताब, और ये देखिए व्याकरण में बैमा संस्कृत में है, संस्कृत मुझे नहीं आती इतनी, लेकिन फिर थोड़े बहुत भी श्लोक मैं बोल लेता हूँ इसलिए मुझे इसका ज्ञान है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि धार्मिक पुस्तकें भी आप यहाँ, एक महाकाव्य पढ़ा है, आप देखिए किस तरह से ये जो शकुंतलम, ये देखिए आप महाकवि कालिदास जी की शकुंतलम, और ये देखिए आप किस तरह से इतनी जो ज्ञानवर्धन जो हमारे जो सत्ययुग द्वापर त्रेता से जो हमें संत महात्मा जो हमें उपदेश देते आए हैं या जो ज्ञान बांटते हैं, वो ज्ञान अब इन अलमीरा में है। और ये चारों वेद, ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च ज्ञान, यानी कि इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता, चारों वेद एक ही किताब में समाये हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर ये बच्चे अगर टाइम निकाल कर इन किताबों को पढ़ ले तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो संस्कारवान बनेंगे और हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। हमारे आप जानते हैं कि जो ज्ञान भारत ने, भारत के ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान बांटा है पूरे विश्व के अंदर बांटा, उसे प्रसारित किया गया, लेकिन जो ज्ञान दिया, अगर वो ज्ञान हमारे बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो हासिल कर लें, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना विद्यावान और गुणवान बनेगा। आइए अब आपको ये मैंने आपको दिखाई कि DAVPG कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, इतनी अलमीराज पड़ी हैं और अलग अलग बैठने की व्यवस्था, यानी कि 100 बच्चे एक साथ, 50 लड़कियाँ 50 लड़के एक साथ उसको बैठकर उसका किताबें निकालकर, कंप्यूटराइज जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, हमने आपको दिखाई कि 32,000 जो ज्ञानवर्धक जो पुस्तकें हैं, 32,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। और मैं नहीं समझता कि कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल भी इन किताबों को एक एक बार खोल के पढ़ चुके होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 32,000 किताबों को पढ़ने के लिए खुद प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, 32,000 किताबें पढ़ने के लिए इतनी ज्ञानवर्धक बहुत समय चाहिए। चलिए ये तो थी
लाइब्रेरी। अब डीएवी पीजी कॉलेज के अगले भाग में मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ क्या कुछ नया है। हाँ जी, लैब में है क्या ये बता दो। लैब में जी, अब हम आ गए डीएवी पीजी कॉलेज की कंप्यूटर लैब में। तीन लैब हमें बताई गई हैं कि तीन लैब हैं, हम आपको अंदर ले चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और अंदर जो कोई भी जो बैठे हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे ज़रूर पूछेंगे कि इस लैब का मुख्य मकसद क्या है। आप देखिए लैब में स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कंप्यूटर वगैरह इसमें काफ़ी कंप्यूटर लग रहे हैं मुझे, करीब 100 से अधिक कंप्यूटर मुझे लग रहे हैं कि 100 से अधिक कंप्यूटर यहाँ पर रखे हुए हैं बच्चों के लिए। और लैब में बच्चे आप क्या क्या करने आए हुए हैं? सर हमारा प्रैक्टिकल है। तो आप कंप्यूटर की मदद से? हाँ जी सर। क्या करने आए हैं सर? हमने प्रोग्राम रन कर दिया है सर। अच्छा। हाँ जी सर, आप सर डाउन करके जा रहे थे सर। ठीक है, चलो। ये स्टूडेंट बोल रहे थे कि इन्होंने अपना जो है प्रोग्राम कर लिया है। और आगे मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे चले जी। यहाँ की इंचार्ज कौन है जी? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर अनीता शर्मा। डॉक्टर अनीता जी हमारे साथ हैं और यहाँ कंप्यूटर लैब की इंचार्ज हैं जी। तो कितने कंप्यूटर रखे हुए हैं यहाँ पे? सर नियर अबाउट 250 अबव हैं यहाँ पर हमारे। हाँ जी ठीक। हाँ जी, तो इन कंप्यूटरों में छात्रों को किस चीज़ की मदद मिलती है? सर छात्रों को सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। हम लोग जो है प्रोग्रामिंग भी कराते हैं इनको, बेसिक भी कराते हैं इनको, और जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है सारा वेब डिज़ाइनिंग वगैरह सारी जो भी है उनके लिए हम उनको मदद करते हैं। तो सरकार की तरफ से भी कुछ भेजा जाता है यहाँ पे? हाँ सरकार के सर जैसे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो सारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं यहाँ पे। हम बच्चों को लाइव जो है प्रोजेक्टर पे उनको सारा, जैसे कोई भी आता है मंत्री वगैरह जैसे उनका होता है इंटरव्यू, तो वो भी हम इनको दिखाते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जी सर। स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं सर हमारे। अच्छा। सर प्रोजेक्टर ये है सामने हमारे पास, दिखाएंगे मैडम प्रोजेक्टर जी। देखिए सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है, ये स्क्रीन नहीं दरअसल ये प्रोजेक्टर है और ये सामने बैठ के चलाया जाता है। और जब छात्र एक साथ बैठ जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि किस तरह उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर का युग है और राजीव गांधी जी कंप्यूटर जनक बताए जाते हैं। वो कंप्यूटर लेकर आए थे एक तरह से, जब राजीव गांधी जी द्वारा चलाया कंप्यूटर आया तो वो एक तरह से कंप्यूटर युग हो गया। और आप तो जानते हैं आजकल मोबाइल भी एक कंप्यूटर बनता जा रहा है, और मोबाइल के अंदर भी छात्र जो हैं वो कई तरह के अप डाउन करके पढ़ते रहते हैं। ये अच्छी बात है, ये ऊपर प्रोजेक्टर लगा है और यहाँ पे जो स्क्रीन पर आता है और सीधी पिक्चर वहाँ दीवार पर आ जाती है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि उन्हें किस तरह की मदद मिलती है। बेटा आपका नाम क्या है? सर सोनिया। कौन सी क्लास में? सर BCA फर्स्ट ईयर। तो आपको क्या मदद मिलती है यहाँ पे? सर हमें यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी मिलती है और लैंग्वेज भी सिखाते हैं सी प्रोग्रामिंग। तो आप कितना कुछ सीख चुके? सर अभी तक हमारा बेसिक और लैंग्वेज सी ही चल रही है। अच्छा। हाँ जी सर। तो कितना सीखना चाहेंगे इस पे, क्या सीखना चाहते हैं आप? सर मतलब पूरी कंप्यूटर नॉलेज ही लेना चाहते हैं फिलहाल तो। ठीक है। हाँ तो आपको अच्छा लगता है? हाँ जी सर। यहाँ समझ आता है? यस सर। अगर आपको दिक्कत आए तो समझा देते हैं? यस सर। या नहीं समझाते? सर समझाते हैं। अच्छा समझाते। हाँ जी सर। जैसे कि छात्रा ने बताया कि बहुत कुछ समझाया जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अब प्रोजेक्टर भी देखिए चल रहा है, हमने चलवाया है, यहाँ के संचालक को क्या कि हमने चलवाया ताकि हमें पता चले कि आखिर यहाँ क्या दिखाया जाता है। ये देखिए एक तरह से जो कंप्यूटर पे जो लैपटॉप से जो स्क्रीन पे जो आया है वो चला दिया। अब इस पे लेक्चर वगैरह है या जो ज्ञान की जो बात होती है एक तरह से वीडियो फिल्म के जरिए भी समझाने का जी, यानी कि बताया जा रहा है कि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है। अगर प्रोफेसर कोई दूसरे कॉलेज से जुड़े हैं तो वो लाइव बात भी कर सकते हैं, जिसे हम लाइव चैट कह सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सीधे सीधे छात्र छात्राओं को एक नई तकनीक यहाँ उपलब्ध करवाई गई है ताकि उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए ये लैब में हम आपको लेके आए हैं। पहले हम कॉलेज में पढ़ते थे, कोई किस तरह की लैब नहीं होती थी, लेकिन अब एक तरह से नवीनीकरण हो गया है। अब आपको सोनी जी बताया था डॉक्टर शर्मा जी, कुछ और नई चीज़ है तो बताएं।
सर हम यहाँ पे बच्चों को जो है बेसिक जैसे सिखाते ही हैं, उसके साथ साथ बच्चों को जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, भी जैसे कोई नई नई कंपनीज जो है यहाँ पे आती हैं और बच्चों को मोटिवेट करती हैं, नए नए पैकेजेस के बारे में भी बताते हैं और यहाँ पे उनको जो है पूरा प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है भी आगे इनके इस कोर्स का जो है उनको क्या बेनिफिट होगा और वो किस फील्ड में जो है आगे अपने कैरियर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कैरियर गाइडेंस भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर और हमेशा जितने भी उनको नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में भी उनको अवेयर करते हैं। मैडम जी जो यहाँ सिखाने वाले हैं टीचर कंप्यूटर उन्हें भी ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना जिस तरह से फ़ोन अपडेट होता है वैसे इसकी तकनीक भी अपडेट होती है, तो उसकी नॉलेज फिर वो जो यहाँ पढ़ाने वाले महिला या पुरुष अध्यापक हैं वो ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं? सर वो एक्चुअली जो हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो जो अगर हमें नहीं भी कुछ आता तो हमें इंटरनेट से हम लोग जो है कोई नया टॉपिक आया है कुछ भी सर्च करना है तो हम उससे जो है उसको कर लेते हैं। ठीक है मैडम, बता रहे हैं कि हम केवल स्टूडेंट को अपडेट नहीं करते बल्कि टीचर भी अपडेट होते हैं, ताकि टीचर अपडेट रहेंगे तो स्टूडेंट भी अपडेट रहेंगे, बहुत बड़ी बात है। देखिए अब ये एक तरह से एक लैब और हमें ये है उसका दृश्य उसका सीन भी आप देख लीजिए, एक और हमें बताया जा रहा है कि कोई डिजिटल लैब है तो वहाँ ज़रूर देखेंगे कि वहाँ क्या नई तकनीक है और ये बड़ी बात है। अब इस रूम के अंदर प्रिंसिपल सैनी जी आ गए हैं, हम उनसे पूछेंगे। सैनी साहब ये किस तरह की लैब? ये ऑडियो विजुअल लैब है जिसको हम डिजिटल रूम बोलते हैं कि सारा लेक्चर जो है हमारे पास ऐसी 2-3 लैब्स हैं जो ये बिल्कुल आधुनिक लैब्स हैं, इसमें आप सारे का सारा चाहे इंटरनेट से पढ़ाना है या वैसे कोई भी चीज़ है बच्चों को बिठा के पूरी क्लास को और आप यहाँ नेट से या अपने लैपटॉप से वो सारा प्रोजेक्टर के द्वारा, ये प्रोजेक्टर लगा हुआ ऊपर उसके द्वारा भी आप यहाँ स्लाइड्स के द्वारा बच्चों को पूरा जितना लेक्चर है 40-45 मिनट का वो दे सकते हैं। और दूसरे भी जो है जी कितने स्टूडेंट एक साथ 100 इसमें 100 आ सकते हैं, 80 का सेक्शन होता है तो 80 से 100 तक बैठ सकते हैं इसमें। डेली लगती है ये? बिल्कुल इसमें बदल के जैसे BCA की क्लासेज हैं जो कुछ विद्यार्थी वहाँ हैं तो जिनका पूरा लेक्चर है डिजिटल लेक्चर जिनको देना है तो वो इसमें यहाँ हर रोज़ लगती हैं क्लासेज जी। ठीक है सैनी जी, बता रहे हैं हमें कि एक डिजिटल लैब है और इसके अंदर जो है रोज़ाना जो है क्लास लगती है। यहाँ भी बड़े तरीके से यहाँ टेबल देख लीजिए आप किस तरह से रखी गई हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस तरह से 8 लैब बता रहे हैं। हर लैब में हम नहीं जा सकते लेकिन हमने आपको 3 लैब ज़रूर दिखाई हैं और अब हम आपको ले चलेंगे नई जगह पर। देखिए अब हम आपको ले के आए हैं कॉलेज के जिमनेजियम, इसको या आप देख लें जिसे हम जिम बोलते हैं एक्सरसाइज करते हैं, ये सुविधा भी स्टूडेंट के लिए यहाँ मुहैया करवाई गई है, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हरियाणा सरकार ने कई पार्कों में इस तरह की व्यवस्था की है लेकिन किसी कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था होगी या हम आज पहली बार देख रहे हैं। भारी से भारी मशीनें रखी गई हैं, आपने प्राइवेट जो जिनमें जो जिम हैं उनमें जो ट्रेनर जो सिखाते हैं तो उस तरह की यहाँ भी व्यवस्था है, चाहे थोड़ी है लेकिन रखी गई है कि छात्र यहाँ अगर खाली ना बैठे, मतलब शरीर स्वस्थ होना भी ज़रूरी है और स्वस्थ तभी होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे और आपके चेहरे से और शरीर से पसीना बहेगा। ये देखिए ये शायद टेनिस, हम खड़े हैं DAV PG कॉलेज के स्वामी दयानंद सरस्वती वाले छोटे से पार्क में जहां उनकी मूर्ति लगाई गई है। हमारे साथ इस कॉलेज की कुछ बच्चियां हैं, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि उनका नाम क्या है और वो कहां से आती हैं, क्या करती हैं, यहां किस क्लास में हैं और कैसा लगता है। गुड़िया अपना शुभ नाम क्या है बेटा? माय नेम इज़ कशिश और मैं इस कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ की स्टूडेंट हूँ एंड आई स्टडी इन क्लास BSc फाइनल ईयर। कहाँ से आए? बिलोंग टू कुंजपुरा। हाँ जी। तो बेटा ये आपको कितना टाइम हो गया? ये मेरा थर्ड ईयर है। हाँ जी।
तीन साल में लगा कुछ हाँ जी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। इवन डे बाय डे हमारा कॉलेज बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो रहा है। हर एक चीज़ डिसिप्लिन में बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, इवन रेड क्रॉस एक्टिविटीज़, एनएसएस कैंप, हर चीज़ में हमारा कॉलेज बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है। और इवन पिछले ईयर हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और लिटरेरी वर्कशॉप्स भी कराई जाती है। और इवन हमारे कॉलेज का जो टीचिंग स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल है। और हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे, हमें किसी भी कभी भी हेजिटेट नहीं होना पड़ता। हम उनके सामने अपने व्यूज़ अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। एंड इवन जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी में आपको पता है कितनी किताबें रखी हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, 32,000 किताबें हैं उसमें। अब तक कितनी पढ़ी आपने? लाइब्रेरी में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो सारी पढ़ी है, बट एक्स्ट्रा में जो हमारे कॉलेज की आर्या सिंधु है वो मैं हर एक ईयर की पढ़ी है, बाकी तो नहीं। महाभारत रामायण भी रखी है? नहीं, वो नहीं पढ़ी। उनको ज्ञान है महाभारत रामायण का? नहीं, बट हाँ मैं भगवत गीता वैसे पढ़ती हूँ, लेकिन उसको प्रॉपरली समझ नहीं आती, बट मैं पढ़ती हूँ जितना मुझे समझ है। आपके जिम भी लगी है? जिम वगैरह? हाँ जी, बेसमेंट में। नहीं, चीज़ और मेरे को नहीं बताई है आपकी, जो वाहन पार्किंग की आपकी बताई कि लड़कियों के लिए वाहन पार्किंग? हाँ जी, हाँ जी, अलग से हमारी जो गर्ल्स के लिए पार्किंग है वो अलग से है। आपका क्या नाम है? सर संगीता। कहाँ से आप? सर करनाल से। करनाल से। कौन से ईयर्स की स्टूडेंट हैं? सर बीएससी फाइनल ईयर, मेरा थर्ड ईयर है। क्या थर्ड ईयर की? हाँ जी, थर्ड ईयर। हाँ जी, तो क्या लगता है नए बदलाव से आपको? यस सर, सर ज्ञान में वृद्धि हुई है? सर बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे अब हमारे कॉलेज में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, कल भी था एक रोड सेफ्टी का, तो मतलब बाहर से लोग आते हैं। तो जो मतलब हम अब यहाँ कॉलेज में आके क्या पढ़ते हैं, साइंस है हमारी स्ट्रीम तो साइंस ही पढ़ेंगे, पर अब हम उससे पॉल साइंस में भी सेमिनार्स में भी हम जाते हैं, तो हमें ओवरऑल सारा हमारी डेवलपमेंट होती है बहुत। अब हिंदी साहित्य, अब हम 9-10 से हिंदी छोड़ चुके हैं, तो उसके बारे में वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। हरियाणवी सांग भी हुआ हमारे कॉलेज में, हमें मतलब हरियाणवी के बारे में भी। आप भी पार्टिसिपेट करती हैं? हाँ जी, मैं यूथ फेस्ट में भी कर लेती हूँ, और ये जो छोटे डिबेट्स या डेक्लामेशन इधर उधर कॉलेजेस में जाते हैं इनमें भी, और सेमिनार्स में भी, कि कोई मैं एनएसएस में भी हूँ तो उसकी भी मतलब जो उसके होती हैं ड्यूटीज़ हमारी की डिसिप्लिन वगैरह में भी होता है, तो उसमें भी मैं जाती हूँ। आपको क्या लगता है जो आपके नए कॉलेज में जो नई व्यवस्थाएँ हैं ये दूसरे जैसे बड़े बड़े कॉलेज हैं दयाल सिंह या उनका मुकाबला कर रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में बच्चे ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि हाँ जी इवन वहाँ पे तो बच्चे कहीं पर भी बैठे रहते, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, इवन गर्ल्स अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर सकती, लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उसी टाइम प्रिंसिपल सर से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, और हर एक बच्चा अपना लेक्चर लगा रहा होता है, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब इधर उधर घूम नहीं रहा होता, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कॉलेज में। सीसीटीवी कैमरे भी लगे? हाँ जी सर, अभी काफी अच्छा जी, बहुत अच्छा, मतलब हर एक चीज मतलब पॉजिटिव वे में ही नजर आती है हमें। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो मतलब इस चीज में बहुत अच्छा लगता है। पहले स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो थोड़ा सा था कि आउटसाइडर्स आ जाते थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल मतलब एक महीने तक, तो उसके बाद से बहुत फर्क पड़ा है, कोई नहीं बाहर से आ सकता, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। तीन साल में से बहुत ज़्यादा, मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट पहले महीने में हमने देखा प्रिंसिपल सर के आते ही बहुत चेंजेस आए हैं हर चीज़ में। हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हम सर के पास जा रहे हैं, हमें फीलिंग ही नहीं आती कि हम प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल टीचर से बात कर रहे हैं, हम वैसे ही जाते हैं सर के पास कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा कहीं कैंप जाना है, सर हमें ये फैसिलिटी चाहिए। लाइब्रेरी से भी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, 2 बुक ईच स्टूडेंट है, पर हम सर से परमिशन लेके कोई भी बच्चा जितनी बुक्स चाहे हम अपने रख सकते हैं अपने पास, जब सेशन के लास्ट में हम बुक रिटर्न करते हैं, तो मतलब टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहीं से हमें बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं वो सारे टीचर्स स्टूडेंट्स में बांट रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल, स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है। नॉन टीचिंग स्टाफ में क्लेरिकल में टीचर्स हैं हमारे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई सर हमें ये लाइन में कुछ कर रहे हैं या नहीं, सर को जाके बोलते हैं तो हमारा काम। कॉलेज की गर्ल प्रिंसिपल सैनी साहब की बड़ी तारीफ कर रही है और उनके कामों की कर रही है, और उन्हें लगता है कि पहले इन्होंने लड़कियों ने छोटा सा खुलासा किया है कि पहले बच्चे आउटसाइडर आते थे और छेड़छाड़ की घटनाएं बच्चों से करते थे, लेकिन अब मतलब कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन सैनी साहब ने इसको मामले को जैसे ही वो कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में आए
उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। सबसे पहले कॉलेज की बच्चियों की सुरक्षा का उन्होंने इंतज़ाम किया। जैसे कि कुंजपुरा की, क्या नाम बताया आपने? कशिश बता रही थी कि अलग से पार्किंग की व्यवस्था एक लड़कियों के लिए की है, जो बहुत अच्छी है, आमतौर पर कॉलेज में होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कशिश ये कह रही हैं कि हमारा जो DAV कॉलेज है, अब करनाल के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, जो नामी गिरामी जिनका नाम लिया जाता है, नाम बड़े बड़े नाम में शुमार है उनका, कॉलेजों का नाम, उनसे भी बहुत अच्छा है। अच्छा लगा, धन्यवाद कशिश, धन्यवाद आपका। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रवण है, मैं MCOM का छात्र हूँ। MCOM फाइनल? जी प्रीवियस। प्रीवियस, हाँ जी। तो कितने साल से आप सर? मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया और ये मेरा फोर्थ ईयर है इस कॉलेज में। जी हाँ। तो कहाँ से आते हैं आप? सर मैं असम से आता हूँ। बड़ी दूर से आते हैं? जी हाँ जी हाँ है, लेकिन ये कॉलेज जो डाइवर्सिटी आपको देता है, जो एजुकेशन के पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, जो टीचर्स यहाँ पे हैं, वो क्या नाम, वहाँ के कंपैरिजन अच्छे हैं। और इस कॉलेज में लास्ट 3 ईयर जब से हमारे नए प्रिंसिपल सर आए हैं, डॉक्टर RP सैनी जी, उन्होंने इस कॉलेज में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, प्लस हमारा जो कॉलेज है ये कम्प्लीटली आउटसाइडर फ्री जोन है। यहाँ पे सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट ही होते हैं, उनके अलावा कोई भी बाहर का पर्सन नहीं होता है। इसके साथ साथ ही जो हमारे सर हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, हमें कंस्टेंटली इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं, और हमें ऑन द डेस्क ही हर एक चीज़ का सलूशन देते हैं। थैंक यू। पूछूंगा, आपके कॉलेज में बड़ा कुछ नया हुआ है इन 2-3 साल में, जैसे सेमिनार हॉल बदल गया, ग्राउंड चौड़ा हो गया, हर्बल पार्क बन गया, लाइब्रेरी अच्छी हो गई, ब्लॉक हो गया अलग से, एक फायर सिस्टम कर दिया, एक जल संरक्षण का अच्छा, क्या कॉलेज में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लग रही है इस समय, जो पिछले 3 सालों में जो नवीनीकरण क्या लगता है जिससे बच्चों का ज्ञान अधिक बढ़ गया? सर जो मुझे सबसे बढ़िया यहाँ लग रहा है वो है जो भी लाइब्रेरी में जो भी चेंजेस किए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और लाइब्रेरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है या जो भी एकेडमिक्स में जो भी कुछ अपडेट हुआ है वो हम सबके लिए बेनिफिशियल है। बाकी जो अदर चेंजेस भी हैं वो भी जो हैं वो भी अच्छे हुए हैं। ऑल द बेस्ट रमन। थैंक यू सर। अब हम आए हैं डॉक्टर रामपाल सैनी जी के पास, डॉक्टर APG अब्दुल कलाम अवार्ड से इन्हें नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है, और पिछले 3 सालों से कॉलेज में कार्यरत हैं एज ए प्रिंसिपल। मैंने अभी कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं से मैंने बात की, वो इनके कामों की तारीफ कर रही हैं, ख़ास तौर पर बच्चियाँ। उन्होंने सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बात की कि पहले आउटसाइडर आते थे, बच्चों को छेड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन सैनी साहब जब से कॉलेज के प्रिंसिपल बने, उन्होंने सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम समझा और एक ऐसी व्यवस्था बिठाई कॉलेज के गेट पर। अब बच्चियां खुद बोल रही हैं कि आउटसाइडर अब नहीं आते और वो कॉलेज में सुरक्षित हैं, और ख़ास तौर पर यह है कि कॉलेज के अंदर भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मैंने खुद मुआयना किया है, फायर सिस्टम प्रणाली लगी हुई है, जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक प्लांट लगा है, एक ग्राउंड इन्होंने बनाया है जिसमें 4 दीवारी, एक बहुत बड़ी स्टेज है 35x40 की, मैं पूछूंगा इनसे कि कितना बड़ा वो स्टेज है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे भी तारीफ कर रहे थे कि लाइब्रेरी में इतनी अच्छी अच्छी किताबें और कंप्यूटराइज कर दिया, पहले किताब ढूंढने में दिक्कत होती थी, लेकिन वो मैडम के पास जाते हैं, उनसे अपनी किताब का नाम बताते हैं और कंप्यूटर पर क्लिक होती है और किताब पता लगता है कि उस अलमारी अलमीरा के अंदर वो किताब उस खाने में पड़ी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सैनी साहब, समाचार एक्सप्रेस आपका स्वागत करते हैं, आपसे कुछ सवाल शुरू करेगा। हमने आज आपके कॉलेज का निरीक्षण किया, मैं कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूँ, पहले 3-4 साल पहले मैं कवरेज के लिए यहाँ पर आया था, मुझे इतना बदलाव नहीं दिखा, अचानक यह बदलाव आखिर कैसे, क्या किस सोच के साथ? जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, वो भी एक विद्यार्थी के ऐसे टाइम की शिक्षा है जब उसके लिए ज़िंदगी के कई ऑप्शंस उसके सामने होते हैं, उसको नौकरी भी चाहिए होती है, उसको परिवार भी की भी जिम्मेवारी उसके आगे उसको नज़र आती है, शादी भी उसकी होती होने वाली होती है, तो उसको कई प्रकार के पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की और संस्कारों की भी ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का, तो मैंने आते ही उन चीज़ों पे गौर किया
जो चीज़ें विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरी मिलनी चाहिए, और उसमें सबसे पहले है वातावरण। जो वातावरण यदि नहीं होगा तो हम पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर सकते। तो वातावरण में अनुशासन की स्थापना करना, आउटसाइडर्स की एंट्री को बैन करना, विद्यार्थियों के लिए आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी करना, और नियमित तौर पे क्लासेज लगना। क्लासेज के अलावा भी कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एनसीसी और एनएसएस की एक्टिविटीज़, उनको बढ़ावा देना और उनके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना उनमें। अब एकेडमिक्स में भी हमारे विद्यार्थियों ने टॉप किया है। पिछले साल हमारे एमए में, एमए इकोनॉमिक्स में, एमएससी ज्योग्राफी में और बीकॉम ऑनर्स में और भी हमारे विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी में स्थान प्राप्त किया। और इसके अलावा मैंने पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को रिसर्च की तरफ भी जाना चाहिए, इसलिए अपने कॉलेज में मैंने 4 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज करवाई हैं पिछले दिनों, और 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव भी मैं करवा चुका हूँ। 1 हमने लिटरेरी वर्कशॉप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जो है वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया, और अभी पिछले दिनों अक्टूबर में प्रथम बार इस कॉलेज में करनाल जोन का, करनाल पानीपत जोन के 64 कॉलेजेस का जोनल यूथ फेस्टिवल भी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, जो यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। और विद्यार्थियों के लिए उनके जो साधन हैं, व्हीकल्स हैं, उनको खड़े करने की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए नई पार्किंग की व्यवस्था है उसका निर्माण करवाया। जो कैंटीन थी कॉलेज की उसका नवीनीकरण किया। विद्यार्थियों के लिए सही टाइम पे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो उसका जो है यहाँ पे स्थापना की गई। जो लड़कियों के लिए जो कॉमन रूम्स हैं उनमें लड़कियों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए उनको, कई बार उनको जो जिस टाइम पे उनको कुछ सामान की ज़रूरत होती है वो अंदर ही मशीनें हैं, बाकायदा उसमें पैसे डाल के वो वहाँ से ले सकती हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी जो टॉयलेट्स हैं वो भी अलग अलग अच्छे तरीके से मेंटेन करवाए गए हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। पार्किंग अलग अलग है, लड़कियों की पार्किंग अलग है, लड़कों की अलग है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जरूर स्थापना की गई है। सोलर सिस्टम के बारे में बात चल रही है, और जो बहुत ही ज़रूरी अग्निशमन यंत्र जो हैं, जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, कॉलेज में 3 बहुत बड़े बड़े टैंकियों के साथ प्रोजेक्ट लगाए गए हैं हर एक ब्लॉक में, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चों को असुविधा ना हो। इसके अलावा डिजिटल जो रूम्स हैं पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के, उनकी व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी का नवीनीकरण किया गया है, ग्राउंड का नवीनीकरण किया गया है, स्टेज की व्यवस्था की गई है, विभिन्न जो और कंपोस्ट फेस्ट की स्थापना की गई है, जिससे पत्तों को और कबाड़े को डाल करके खाद बनाने का, अभी हमने 1 गड्ढा जो है शुरू किया है, जब उसमें खाद बननी शुरू होगी तो हम उसके साथ ही 2 खड्डों की और व्यवस्था करेंगे। लड़कियों की और लड़कों की सुरक्षा को लेकर हेलमेट की मैंने शुरुआत की थी पिछले साल, कोई भी विद्यार्थी बिना हेलमेट पहने कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइक पे मैं खुद चेक करता हूँ 2 घंटे के लिए, और हमारी ये ध्यान रहता है कि हम सरकार के नियमों के अनुसार जितना भी बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा दे सकते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए एजुकेशन दे सकते हैं। जी, बच्चों के साथ आपका जो भी है वो फ्रेंडली है, इसलिए बच्चे आपसे ज़्यादा लगाव। बिल्कुल सैनी साहब, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड आपका नोटिस बोर्ड जी, ये बदलाव किस तरह का, कैसे? हाँ, क्योंकि विद्यार्थियों को कई बार विद्यार्थी, जबकि हमने 4 नोटिस बोर्ड्स वैसे लगवाए हुए हैं मैंने कॉलेज में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई बार ध्यान नहीं दे पाते उन पे। कोई साइंस का विद्यार्थी है या कोई कम आता है कॉलेज में, कभी कभार आता है कॉलेज में, या उसको दूसरे फ्रेंड्स भी, ताकि एक सूचना वो सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूसली लाइव चलती रहे, उस पर ध्यान जाता रहे। जो भी सूचना होती है सूचना पट पे, इलेक्ट्रिक सूचना पट पे चल जाती है कंटिन्यूसली, दिन और रात चलती है, चाहे वो रात में भी या शाम के टाइम भी कॉलेज के सामने से गुजर रहा है, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा मैं, यदि कोई विद्यार्थी नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, तो मैं पर्सनली वो सारी अटेंडेंस जो है वो चेक करवाता हूँ हर रोज़ 2 बजे। सभी टीचर्स अपने अपने एब्सेंटी, विद्यार्थियों की एब्सेंटी दे के जाते हैं उसमें। अगर कंटिन्यूसली कोई विद्यार्थी 2-3 दिन से एब्सेंट है तो मैं पर्सनली भी केयर करता हूँ, और हमने
एक सभी विद्यार्थियों के नंबर्स जो है मोबाइल नंबर्स ले रखे हैं, वो एग्जाम एडमिशन के टाइम में लेते हैं। तो हमने मैं मैसेज सिस्टम भी उस पर करवा रखा है कि सभी विद्यार्थियों के साथ साथ कोई भी सूचना होती है वो मैसेज के जरिए भी जाती है, मोबाइल के जरिए मोबाइल पे मैसेज चला जाता है तो वो उनके घर सूचना पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर्स का भी हम सहारा लेते हैं, हमारा जनमास एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है वो भी इस काम में बहुत अग्रणी है। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्थाएँ हैं इनका निर्माण कोई अपने स्व पैसों से नहीं हुआ है। ये जितनी भी एडिड कॉलेजेस की, मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ हरियाणा का 2-2 बार, और पूरे व्यवस्था को बहुत डेप्थ में जानता हूँ कि किस ढंग से इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की स्थापना हुई है, लोगों ने किस ढंग से चंदा इकट्ठा कर करके शुरू में ये संस्थाएं शुरू की, और आज हरियाणा में हायर एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हरियाणा की हायर एजुकेशन में सरकारी कॉलेजेस तो अब बनने लग रहे हैं, जितने भी एडिड कॉलेजेस हैं वो शुरू में इसी तरीके से सामाजिक चंदे से पैसे से बने हैं, सरकार से भी अनुदान प्राप्त हुआ और दूसरी UGC से अनुदान प्राप्त किया तब जाके ये बिल्डिंग्स बनी हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि इन बिल्डिंग्स का सदुपयोग हो, ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं उनमें बच्चे विद्यार्थी शिक्षण कार्य करें, कमर्शियल यूज ना हो, सबसे बड़ी बात। आपकी जो मैनेजिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने नाथीराम गुप्ता जी, इनका भी, इनकी बॉडी का भी काफ़ी सहयोग रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये संस्थाएँ प्रबंध की है उनके नियंत्रण और निर्देशन में काम करती हैं प्रबंधन समिति के। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ की प्रबंधन जो समिति है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं उसमें, उसमें हमारे जो मेंबर हैं एक हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज भी हैं और एडवोकेट्स हैं और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो वो बड़े ही अच्छे सद्भावना से उन्होंने इनकी स्थापना की है और वो दान पुण्य भी करते हैं, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे कई उन्होंने जो है स्कॉलरशिप शुरू कर रखी हैं। वर्मा जी रहे हैं इसके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने कई परिवार के मेंबर्स के नाम से स्कॉलरशिप शुरू की हुई हैं, और भी हमारे मित्तल साहब उन्होंने भी अपने पूर्वजों के नाम से बच्चों को विद्यार्थियों को जो अच्छे नंबर आते हैं उनको उनके लिए वो पैसे देते हैं खुद यहाँ से, वो कभी चाय का कप भी हमारे यहाँ नहीं पीते खर्चे से। तो ये हमारी मैनेजिंग कमेटी की बहुत तारीफ है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये बहुत अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमने पिछले साल हमारे विद्यार्थी विभिन्न समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया इंटर्नशिप जिसको भी या जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, हमने दैनिक जागरण में भी हमारे विद्यार्थियों ने काम किया, अमर उजाला में भी हमारे विद्यार्थियों ने 30-40 विद्यार्थी उन्होंने ड्यूटी लगाई, उनको ट्रेनिंग भी दी, और मैं समय समय पर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरी इच्छा रहती है कि वो मुखातिब हों उनसे, उनको बुलाता हूँ, उनके लिए बकायदा लेक्चर्स की व्यवस्था भी हम करते हैं ताकि वो विद्यार्थियों को बता सकें कि किस ढंग से आप जो है कोई खबर लेनी है बातचीत करनी है वो किस ढंग से उसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये है, क्या वीडियो में भी किसी चैनल से टाई अप किया हुआ है? वीडियो में चैनल से टाई अप नहीं है हमारा किसी से, बाकी जिस प्रकार से आज ये हरियाणा न्यूज वाले आप नहीं, जी हमारा समाचार एक्सप्रेस है। जिस प्रकार से समाचार एक्सप्रेस वाले साथी हैं, सहयोगी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे बीच में हैं, इसी ढंग से दूसरे भी न्यूज़पेपर्स वाले या समाचार पत्र वाले, कोई करनाल न्यूज़ वाले हैं, दूसरे हैं, वो भी कभी कभार जब उनको कोई न्यूज़ के कोई होती है तो वो ज़रूर प्रकाशित करते हैं। और मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि जो समाचार एक्सप्रेस है वो उन्होंने कॉलेज को विजिट किया है और वो समय समय पर आते हैं। मुझे खुशी है कि अच्छी चीज़ों को ज़रूर दिखाना चाहिए, समाज के सामने प्रोजेक्ट करना चाहिए, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ठीक नहीं लगती, क्योंकि उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितने जिम्मेदार हम हैं। तो इसलिए हमारी ये अपेक्षा रहती है कि खासकर जो पत्रकार हैं वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से जब काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मैं जो समाचार एक्सप्रेस है उनको भी
साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कॉलेज का विजिट किया। और मुझे उम्मीद है कि वो जो है दूसरे कॉलेजेस का भी जिस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं और अच्छी चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, विद्यार्थियों के काम की चीज़ों को समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, तो वो ज़रूर अच्छा संदेश देंगे। धन्यवाद। तो ये थे रामपाल सैनी जी, जिन्होंने ब्रीफली हमें बताया कि कॉलेज में किस तरह की व्यवस्थाएँ। दरअसल आज के युग में हर कोई ऐसे चाहता है कि पढ़ाई एक ऐसे कॉलेज में हो, जिस तरह से आजकल के हॉस्पिटल बन गए हैं, बड़े बड़े कॉलेज भी इसी तरह की उम्मीद से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बड़े हाईफाई कॉलेजों के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या बच्चियां वहां सुरक्षित हैं? सबसे बड़ी बात, क्या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है? तो जिस तरह से हमने बच्चों से बात की, जिस तरह से हम लाइब्रेरी में पहुँचे, हमने एक एक चीज़ का मुआयना किया, हमने आपको जो नई जो तकनीक यहाँ ईजाद की जा रही है, जैसे सबसे बड़ी बात है जल संरक्षण की। अब बारिश का पानी कॉलेज की मैदान में ज़रूर गिरता होगा, लेकिन अब इस कॉलेज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था जल संरक्षण की गई कि एक भी पानी की बूंद वेस्ट ना हो और पानी को सहेज लिया जाए। यानी कि आज अगर है पानी तो कल पानी होना चाहिए। हमने कॉलेज में अपनी छात्राओं के लिए विशेष सुविधा प्रदान की थी, हमने छात्राओं को फीस में भी कंसेशन दी है, और जो गरीब छात्राएं हैं या छात्र हैं उनके लिए विशेष किताबों की व्यवस्था मेरी तरफ से की जाती है। हमने लाइब्रेरी में मैं उनको मुफ्त किताबें हम उनको देते हैं, और फीस में भी हम मदद करते हैं जो छात्राएँ हैं खासकर उनके लिए, ताकि छात्राएँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। क्या कॉलेज हाईफाई होने चाहिए? क्या कॉलेज में तमाम सुविधाएं होनी चाहिए? क्या कॉलेज एसी होने चाहिए? जिस तरह से भी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बड़ी दुकान पर सामान अच्छा मिलेगा। कई दफ़ा जो सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से या जिन्हें सरकार भी सहयोग करती है, कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएँ भी होती हैं जो ये समझती हैं कि अगर बाहर इसको हाईफाई करने की बजाय छात्र छात्राओं के कमरों में या ग्राउंड के अंदर कॉलेज के अंदर ऐसी व्यवस्था, ऐसी आधुनिक तकनीक अगर छात्र छात्राओं को दे दी जाए तो शायद बच्चों का उद्धार हो सकता है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।